दोस्तों अब विराट ने आरसीबी को आईपीएल 2025 में चैंपियन बनाने के लिए शामिल किया। 19 साल का एक ऐसा खूंखार भूखा शेर अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से उड़ा कर रख देता है गेंदबाजों के परखच्चे। बड़े बड़े खिलाड़ी भी देते हैं उस नन्हे से सितारे को सलामी। 19 साल की उम्र में ही तोड़ चुका है सचिन से लेकर बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड, तो आखिरकार कौन है वो धुरंधर जो खत्म करेगा बेंगलुरु का 18 सालों का ट्रॉफी का इंतजार। विराट कोहली ने कितने करोड़ रुपये में उस सितारे पर लगाया है दांव, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो ये खुशखबरी जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नई में से कौन बन सकता है आईपीएल 2025 का चैंपियन? अपनी टीम की राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे लोकप्रिय टीमों में से एक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भले ही अभी तक एक भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीती है, लेकिन हर सीजन आरसीबी बेहद ही शानदार प्रदर्शन करती है। आरसीबी आईपीएल 2024 में एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स से हारी थी, जिसके बाद टीम का सफर समाप्त हो गया था आईपीएल 2025 में। लेकिन अब आरसीबी टीम मेगा ऑक्शन को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल कर सकती है जो कि टीम को पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी जिता सकता है। बता दें कि घरेलू क्रिकेट में अभी दिलीप ट्रॉफी 2024 चल रहा है, जिसमें इंडिया बी की टीम में युवा खिलाड़ी मुशीर खान खेल रहे हैं। मुशीर खान ने पहले ही मुकाबले की पहली ही पारी में शानदार शतक ठोका था, जिसके चलते अब उनकी जमकर तारीफ हो रही है। मुशीर खान ने एम चिन्नास्वामी मैदान में ये शतकीय पारी खेली है, जिसके चलते अब आरसीबी टीम और विराट कोहली इस युवा खिलाड़ी को आरसीबी टीम में शामिल करना चाहेंगे। बता दें कि दिलीप ट्रॉफी 2024 में टीम ए और टीम बी के बीच खेले जा रहे मुकाबले में मुशीर खान ने टीम बी की तरफ से खेलते हुए शानदार शतक लगाया था। इस एक मुश्किल पिच पर जहां सभी बल्लेबाज दिक्कत महसूस कर रहे थे, उस पिच पर मुशीर खान ने 373 गेंदों का सामना करते हुए 181 रन बनाए। मुशीर खान ने अपनी पारी में 16 चौके और 5 छक्के लगाए, हालांकि मुशीर खान अपने दोहरे शतक से चूक गए। इसी कारण आरसीबी के लिए मुशीर खान सबसे बड़े ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं, क्योंकि मुशीर खान आरसीबी टीम को मिडिल ऑर्डर में मजबूती प्रदान कर सकते हैं, जिसके चलते आरसीबी मेगा ऑक्शन में मुशीर खान के ऊपर दाव खेल सकती है। आपको बता दें कि टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज सरफराज खान ने छोटे भाई मुशीर खान को अभी तक आईपीएल में डेब्यू करने का मौका नहीं मिला है, लेकिन घरेलू क्रिकेट में मुशीर खान ने शानदार प्रदर्शन करके आईपीएल में खेलने के लिए दावेदारी ठोक दी है। मुशीर खान अब तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 6 मुकाबले खेलते हुए नजर आए हैं, जिसमें उन्होंने 10 पारियों में 58 की औसत से 529 रन बनाए हैं। मुशीर खान अब तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 2 शतक भी ठोक चुके हैं, वहीं इसके अलावा उनके नाम अब तक कुल 7 विकेट भी हैं। आपको बता दें कि मुशीर खान लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसे में मुशीर खान वो जवाब बन सकते हैं जो बेंगलुरु पिछले 18 सालों से खोज रही है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि मुशीर खान को किस आईपीएल टीम में जाना चाहिए? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दलीप ट्रॉफी खेल रहे 3 खिलाड़ियों की अचानक चमकी किस्मत, बांग्लादेश टेस्ट में करेंगे डेब्यू। दलीप ट्रॉफी में तहलका मचाने वाले 3 खूंखार युवा खिलाड़ियों की चमकी है किस्मत। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिलेगा टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने का मौका। बीसीसीआई है तैयार उन्हें देने के लिए केंद्रीय कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कौन है 3 युवा खिलाड़ी जिन्होंने दिलीप ट्रॉफी के पहले मैच में ही अपने धाकड़ प्रदर्शन से सिलेक्टर्स और बीसीसीआई को अपना फैन बना लिया है? इन तीनों में से कौन कर सकता है बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में डेब्यू? ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और बांग्लादेश में से कौन सी क्रिकेट टीम पहला टेस्ट मैच जीत पाएगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि इंडिया क्रिकेट टीम इस समय 40 दिनों के लंबे ब्रेक पर है, लेकिन इस समय क्रिकेट में ब्रेक कहां लगता है? भारत में इस समय डोमेस्टिक क्रिकेट के तहत दिलीप ट्रॉफी 2024 चल रहा है। इसमें कई सारे प्रतिभाशाली क्रिकेटरों को खेलने का मौका मिला है। दिलीप ट्रॉफी के जरिए खिलाड़ियों के पास मौका रहेगा कि वो बेहतर प्रदर्शन कर टीम इंडिया में जगह बना सकें। बता दें कि इस महीने की 19 तारीख को भारत और बांग्लादेश 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने उतरेगी, लेकिन वो केवल बड़े खिलाड़ियों की चुनौती नहीं बल्कि यंग खिलाड़ियों के लिए एक मौका भी रहने वाला है। बहुत जल्द इंडिया बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा, जिसमें दिलीप ट्रॉफी में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले कई यंग प्लेयर्स को बीसीसीआई मौका देने वाली है। खासतौर पर 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो दलीप ट्रॉफी 2024 में अच्छा प्रदर्शन कर भारतीय क्रिकेट टीम में एंट्री पा सकते हैं। आइए विस्तार से उनके बारे में जानते हैं। जी हां दोस्तों, दलीप ट्रॉफी 2024 युवा सिख क्रिकेटरों के लिए एक सुनहरा मौका रहने वाला है। इस टूर्नामेंट में अपने टैलेंट के बदौलत वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू का मौका भी पा सकते हैं। 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में अपने प्रदर्शन के जरिए सभी को काफी प्रभावित किया है। इस सूची में तेज गेंदबाज हर्षित राणा,
19 साल के। आपको बता दें दिलीप ट्रॉफी के पहले मैच में इंडिया ए के सामने इंडिया बी तो वहीं इंडिया सी के सामने इंडिया डी खेलने उतरी है। इस दौरान चारों टीमों की ओर से कुछ खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला है। इंडिया सी टीम के तेज गेंदबाज विजय कुमार बिशक ने पहली पारी के दौरान 3 विकेट चटकाए। वहीं इस मुकाबले के दौरान इंडिया डी की ओर से खेल रहे हर्षित राणा ने 4 विकेट हासिल किए। वहीं सरफराज खान के भाई मुशीर खान ने इंडिया बी की ओर से खेलते हुए इंडिया ए के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी की। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने दलीप ट्रॉफी में अपने डेब्यू मैच के दौरान 181 रन ठोके। इन तीनों प्लेयर्स का बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान भारतीय टीम में डेब्यू देखने को मिल सकता है। बता दें कि पहला टेस्ट मैच 19 सितंबर को चेन्नई में तो वहीं दूसरा टेस्ट मैच 27 सितंबर को कानपुर में खेला जाएगा। ऐसे में अभी यह देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है कि बीसीसीआई क्या इन तीनों खिलाड़ियों को भारतीय स्क्वाड में आने का मौका देती है। जहां हर्षित राणा तो आईपीएल में भी अपने बेहतरीन प्रदर्शन से सभी का दिल जीत चुके हैं, तो मुशीर खान के बल्ले ने जो आग उगली है वो लाजवाब थी। भले ही ये खिलाड़ी केवल 19 साल का है लेकिन ये बड़े बड़े धुरंधरों से भी अधिक काबिल है और सबसे ज्यादा चांस है कि मुशीर खान को इस टेस्ट सीरीज में भारत के लिए डेब्यू करने का मौका मिल जाए। हालांकि अंतिम फैसला अभी भी बीसीसीआई के हाथों में है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है और आप क्या चाहते हैं कि किस खिलाड़ी को इन तीनों में से बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में डेब्यू करने का मौका मिलना चाहिए? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और मुशीर खान को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों दिलीप ट्रॉफी में सरफराज खान के भाई मुशीर खान ने अपने बल्लेबाजी से जीत लिया करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल। बिखरती हुई टीम को संभाल कर गेंदबाजों की करी जमकर कुटाई और रच दिया इतिहास, जिसे देख कर तो पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भी इस खिलाड़ी के मुरीद हो गए और उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए इस खिलाड़ी को फ्यूचर का सुपरस्टार तक बता दिया। तो आखिरकार शाहिद अफरीदी से लेकर शोएब अख्तर यहाँ तक कि वसीम अकरम और इंजमाम उल हक से लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा है मुशीर की बल्लेबाजी को लेकर, किसने अब मुशीर की तुलना यंग तेंदुलकर से कर दी, ये सब कुछ हम आपको उनके बयान तो हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सरफराज खान और मुशीर खान में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों ये तो हर किसी को पता है कि भारतीय टीम का इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी फिलहाल ब्रेक लगा हुआ है, जिसके कारण हिंदुस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेला जा रहा है, जिसकी शुरुआत दिलीप ट्रॉफी से हुई। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में पहला मुकाबला इंडिया ए और इंडिया बी के बीच खेला गया। इस मैच में इंडिया ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम बी को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। जायसवाल से लेकर अभिमन्यु यहां तक कि सरफराज खान और ऋषभ पंत भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और टीम का साथ छोड़कर पवेलियन चल दिए। टीम बी की टीम मुश्किल घड़ी में नजर आ रही थी, लेकिन एक तरफ से सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर खान मैदान पर डटे हुए थे। ये अपनी टीम के लिए आखिरी उम्मीद थे और इन्होंने भरपूर अपनी टीम का साथ दिया और हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करते हुए टीम को संभाला। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। इनका साथ नवदीप सैनी ने भी भरपूर दिया, जिसकी बदौलत सबसे पहले मुशीर खान ने अपना अर्धशतक ठोका और फिर हर गेंदबाजों की कुटाई करते हुए अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाकर अपना शतक ठोक दिया। पहले दिन का ही खेल खत्म होने तक मुशीर खान अपनी टीम की स्थिति को संभाल चुके थे और जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो एक बार फिर मुशीर खान उसी अंदाज में मैदान पर उतरे और अपने बल्ले से तांडव मचाकर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और 150 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया और अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा दिया। कम उम्र में मुशीर खान ने यह उपलब्धि हासिल की, जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान हो गया और भारतीय खेमे में बैठे लोग मुशीर खान की बल्लेबाजी देखकर खड़े होकर तालियां बजाने लगे। मुशीर खान की जबरदस्त बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए अपनी टीम को उन्होंने संभाल लिया और इतना ही नहीं अपने बल्लेबाजी से करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। भले ही मुशीर खान इस मैच में दोहरा शतक ना लगा पाए हों, लेकिन उन्होंने 181 रनों की बेमिसाल पारी खेली। पारी में उन्होंने 373 गेंदों का सामना किया, जिसमें 5 गगनचुंबी छक्के और 16 चौके जड़े। इसके बाद तो पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भी इस खिलाड़ी के मुरीद हो गए। शाहिद अफरीदी से लेकर शोएब अख्तर यहां तक कि वसीम अकरम और इंजमाम उल हक मुशीर खान की बल्लेबाजी पर बड़ा बयान देते हुए ऐसा कुछ कह दिया कि सोशल मीडिया पर इन सभी का बयान तेजी से वायरल होने लगा और हर कोई मुशीर खान का दीवाना हो गया। तो चलिए अब हम आपको मुशीर खान पर दिए गए बड़े बड़े दिग्गजों के बयानों को सुनवाते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने मुशीर खान की बल्लेबाजी पर कहा कि भारत में क्रिकेट को लेकर बहुत अधिक दिलचस्पी है, इसलिए टैलेंट का खदान भारत को कहा जाता है। मुशीर खान ने अपनी बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीत लिया है। मैं खुद इस खिलाड़ी का दीवाना हो गया हूं। मैं जितनी भी तारीफ करूं मुशीर की उतनी कम है। ये युवा टैलेंट बहुत जल्द भारतीय टीम में जगह बना सकता है। वहीं पाकिस्तान के सबसे खतरनाक बल्लेबाज इंजमाम उल हक ने भी मुशीर की तारीफ करते हुए कहा है, मुशीर
क्या जबरदस्त खिलाड़ी है। मैं जितनी भी तारीफ करूं इस खिलाड़ी की कम है। जिस तरह से उन्होंने अपने बल्लेबाजी से सभी को अपनी तरफ खींच लिया, ये देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हूं। मुझे इस खिलाड़ी के अंदर युवा सचिन नज़र आता है। जिस तरह से वो शॉट खेलते हैं काबिले तारीफ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुशीर बहुत जल्द IPL भी खेल सकते हैं। मैं उनकी बल्लेबाजी का बहुत बड़ा दीवाना हो चुका हूँ। वसीम अकरम ने भी कहा कि मुशीर खान ने शानदार खेल दिखाया। मैं इस मैच को देख रहा था, जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम को संभाला काबिले तारीफ है। ये खिलाड़ी आगे चलकर टीम इंडिया में ज़रूर जगह बनाएगा। मुझे इस खिलाड़ी के अंदर सचिन की परछाई नज़र आती है। इस खिलाड़ी के अंदर काफ़ी टैलेंट छिपा हुआ है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी कहा कि ज़बरदस्त खिलाड़ी, ज़बरदस्त टैलेंट इस मुशीर खान के अंदर छिपा हुआ है। मैं जितनी भी तारीफ करूं इस खिलाड़ी की उतनी कम है। कम उम्र में बड़े से बड़े गेंदबाजों का सामना करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुशीर खान ने और अपनी टीम को मुश्किल घड़ी से बाहर निकाला। मेरे पास इस खिलाड़ी के लिए शब्दों की कमी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुशीर